अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, क्या हाल है? सब खैरियत ठीक ठाक मोबाइल ठीक है। आज की हमारी रेसिपी है जी वाइट कढ़ाई है, लेकिन वो बननी दूध में है, मिल्क में ना। तो 1 kg हमने चिकन का गोश्त लिया है, चिकन में ये आधा किलो से थोड़ा सा कम लिया है दूध। सबसे पहले दूध को उबाला है, दूध को उबालाने दे अच्छी तरह। उसके बाद हमने डाला है इसके साथ इसके अंदर चिकन और प्याज। तो ये साथ साथ आपको इंशाल्लाह बताता हूँ, साथ साथ रेसिपी बताता हूँ। रेसिपी इतनी लंबी नहीं करनी इंशाल्लाह, ये बड़ी प्यारी रेसिपी बनने वाली है और आप स्टेप बाई स्टेप पूरी देखें, मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको, खाने का भी और पकाने का भी। ये दूध को बॉयल आ गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर अब चिकन डालना है, 1 kg चिकन इसके लगा दें। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा इसको पका के उसके बाद हमने साथ ही प्याज डाल देना है इसके। प्याज को हमने छोटा छोटा काटना है, ज़्यादा मोटा नहीं काटना। ये चेक करें, आंच को लो फ्लेम पे रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना, क्योंकि फिर वो दूध जल जाएगा ये और ये कच्चा रह जाएगा। इसके अंदर ही हमने पकाना है। और ये प्याज है, तकरीबन 3 से 4 प्याज है, क्योंकि आप टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल मलाई हो जाएंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाह, इसको हल्की आंच पे पकने देते हैं, चिकन भी गल जाएगा, प्याज भी साथ ही गल जाएंगे। 5 से 10 मिनट पकाते हैं और उसके बाद आते हैं बाकी रेसिपी की तरफ। और 5 से 10 मिनट पकाते हैं, इसको चेक करते हैं उसको। 5 मिनट हो गए, ये प्याज की आप टेंशन ना ले, प्याज बिल्कुल गल जाएगा, टेंडर हो जाएगा इसके साथ ही। और टेस्ट चेक करना आप इंशाल्लाह, तो चेक करना इंशाल्लाह। ये देखिए प्याज बिल्कुल गल गया है। ये चेक करें, बिल्कुल गल गया है। इसको पकने देना थोड़ी सी देर और, 4 से 5 मिनट। अब थोड़ा सा फ्लेम हाई कर लें इसको, और उसके बाद इंशाल्लाह आते हैं बाकी प्रोसेस में। अब इसके अंदर हम तकरीबन 8 से 9 सब्ज़ मिर्च इसके अंदर, और नमक हसबे जायका। बिस्मिल्लाह, तीन से चार मिनट और पकाते हैं पानी, ये दूध जो ड्राई हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह आते हैं बाकी रेसिपी की तरफ। ये चेक करें, माशाल्लाह गोश्त आधे से ज़्यादा टेंडर हो गया। अब इसके अंदर हमने ऑयल डालना है। अंदाजे के हिसाब से आप ऑयल डालें। चेक करें माशाल्लाह, लुक चेक करें इसकी। इसको पकने दें 3 से 4 मिनट के लिए बस। और नमक मिर्च चेक कर लें, उस हिसाब से डाल लें। थोड़ी सी रेड चिली, बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा नमक और कम लग रहा है मुझे, आप अपने टेस्ट पर डालें।
अब इसको ढक्कन के बगैर पकाना है, ये पानी बिल्कुल खुश्क करना है हमें, ठीक है। चेक करें और ये मसाला मिक्स ये डालो, माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है। इसको पकने दें, आंच को थोड़ा सा तेज़ करें, ये पानी को खुश करें और ये आपकी दूध वाली हांडी पूरी वाइट कढ़ाई तैयार है, ये दूध से बनी हुई है माशाल्लाह। इसके अंदर क्रीम डालनी है, वो लास्ट पे डालनी है। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, चेक करें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ये चेक करें माशाल्लाह, लुक चेक करें इसकी। बिस्मिल्लाह, नमक मिर्ची चेक करके अपने हिसाब से। अब इसके अंदर डालें हमें क्रीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फ्लेम लो ही रखना है। इसको पकाए हल्की आंच पे, बस ये चेक करें आपकी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट ऐसे पकाना है हमने, बाद में सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह चेक करें। अब इसके अंदर डालना हमने अदरक, बिल्कुल रेडी है। फ्लेम करते हैं ऑफ, डाले धनिया, ये आपकी कढ़ाई रेडी। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ होती है मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। दूध वाली कढ़ाई है।